बिलासपुर के कोटा स्थित बेल गहना सहकारी समिति की भूमि पर कब्जा करके अवैध निर्माण हटाने के लिए की जा रही जांच अपने नतीजे तक पहुंचती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में सहकारी समिति के पदाधिकारियों को प्रशासन की अगली कार्यवाही का इंतजार है। सहकारी समिति के सदस्यों ने अधिकारियों पर रिश्वत लेकर जांच को भटकाने और मामले को टालने की कोशिश की है। इन आरोपों ने अधिकारियों को सवालों के घेरे में ला दिया है, जबकि संबंध में एसडीएम कोटा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पहले बटान की कार्यवाही की जाएगी, जिसमें लगभग एक हफ्ते का वक्त लगेगा। बटान के बाद अगर जमीन सरकारी पाई गई तो कब्जा हटाने की कार्यवाही की जाएगी। ये सैकड़ों साल पहले जिस समय रजवाड़े समय की जमीन जिसको सोसाइटी के इन्होंने रजिस्टर्ड हो गया था, उस जमीन पर कुछ भूमाफियाओं के द्वारा उसे खरीद फरोख्त कर करके और उसमें बेजा कब्जा अवैध जो निर्माण कराया जा रहा था, आज कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे जो बेजा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए हमने आवाज उठाई है और हमारी इस आवाज में पूरे बेलगहना के ग्रामवासी एक एक जन के लोग यहाँ पे शामिल है। इसमें अनावेदकगणों के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, उस संबंध में तुरंत तत्काल संज्ञान लेते हुए हल्का पटवारी और राजस्व निरीक्षक की संयुक्त टीम द्वारा एक ज्ञापन जारी किया था कि वो जांच करके उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। तो प्रतिवेदन आज प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा, मैं भी प्रतिवेदन को देखूंगा उस बारे में और जो भी कार्रवाई होगी उसमें हटाने की वो की जा रही है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता डब्बू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डब्बू, जिस तरह से अवैध निर्माण हटाने के लिए जांच की जा रही है, वो अपने नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, आखिर क्या कुछ वजह है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बेलगहना के सेवा सहकारी समिति का मामला है जहाँ पे अवैध भूमि बेजा कब्जा का मामला है। इसको लेकर यहाँ ग्रामीणों के जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को कुछ दिन पहले इन्होंने ज्ञापन सौंपा था, जिसकी जांच के बाद कलेक्टर साहब ने जांच के लिए वहाँ टीम गठित की थी, जिसमें आरआई या पटवारी ने जाकर हल्का नंबर को वहाँ पे जांच की गई थी। जांच के उपरांत उन्होंने वहाँ पे पाया कि सरकारी जमीन पर ही उसके द्वारा निर्माण किया जा रहा है, जिसको उन्होंने कहा था कि मौके पर कि मैं अपनी जाँच पर जो है ना एसडीएम को प्रेषित करेंगे। तो एसडीएम के पास में प्रेषित करने के बाद भी वहाँ पे निर्माण कंटिन्यू चालू थी, अवैध कब्जा जो धारी है उनके द्वारा निर्माण किया जा रहा था, जिसको शिकायत लेकर फिर उग्र आंदोलन हुआ और ग्रामीण पूरा एक साथ होकर रैली के माध्यम से नया तहसीलदार के पास में ज्ञापन सौंपने पहुंचे, जिसको देख कर वहाँ पे फिर एसडीएम और कोटा तहसीलदार ये सब वहाँ मौके पर पहुँचने के बाद में जब इन्होंने ग्रामीणों को वहाँ पे समझाइश दी और उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का वहाँ पे जांच के बाद ही जो भी होगा हम उसके बाद करेंगे, तब एसडीएम साहब ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि बटांकन के बाद ही हम यहाँ पे जो भी होगा, जो बेजा कब्जा हुआ होगा, सरकारी जमीन अगर बेजा कब्जा में होगी तो उसको हम अवैध बेजा कब्जे को तोड़वाने के लिए हम आदेश करेंगे। लगातार इस खबर पर आप नजर बना रखिए रबू, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और फिलहाल एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।